सो हे गाइस, वेलकम टू द होम ऑफ एनीमे। सो आज इस वीडियो में शाउट आउट मिलेगा लेजेंड ऑफ 90s को। सो लेजेंड ऑफ 90s की चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलना, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सो अगर आपको भी मेरे चैनल पर ऐसे ही शाउट आउट चाहिए तो वीडियो को कर दो लाइक और एक अच्छा सा कमेंट, जिससे आपको भी मेरे चैनल पर शाउट आउट मिल जाए। सो आज इस वीडियो का लाइक एम है 65 लाइक्स का। सो आई होप कि आप लोग कंप्लीट करवा दोगे, बिकॉज मैं आपके लिए सूटकेस भरकर अपडेट लेकर आया हूँ, तो लाइक करना तो बनता ही है। तो अगर अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक कर दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौंडे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के लाइक ठोकी। तो आज हम बात करने वाले हैं एनीमे न्यूज़ के बारे में। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एज अवर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, सो अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पोकेमॉन के बारे में। तो पोकेमॉन की लेटेस्ट गेम यानी कि पोकेमॉन यूनाइट, जो कि रिसेंटली रिलीज हुई जापान में, अब वो इंडिया में भी रिलीज होगी। सो पोकेमॉन यूनाइट के प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है प्ले स्टोर पर। सो अभी तक जिसने भी रजिस्टर नहीं किया कर लेना, बिकॉज ये बहुत ही ऑसम गेम होने वाली है। तो जल्दी से जाओ और जाकर गेम को जल्दी से रजिस्टर कर लो। तो नेक्स्ट अपडेट है ऑगी एंड द कॉकरोचेस के बारे में। सो अभी भी बहुत सारी कंफ्यूजन है कि ऑगी एंड द कॉकरोचेस सोनी ये पर कब आएगा और कौन से सीजन से आएगा। सो ऑगी एंड द कॉकरोचेस सोनी ये पर आएगा फ्रॉम नेक्स्ट मंथ 11 अक्टूबर और 26 सितंबर को सोनी ये इसकी अनाउंसमेंट करेगा। तो जिसको भी ये लग रहा है कि 26 सितंबर को ही ऑगी एंड द कॉकरोचेस सोनी ये पर आएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला, बल्कि सोनी ये उसकी अनाउंसमेंट करेगा। और उसके बाद हमको 11 अक्टूबर से ऑगी एंड द कॉकरोचेस देखने को मिलेगा सोनी ये पर। और ऑगी एंड द कॉकरोचेस बिल्कुल पहले से स्टार्ट होगा, यानी कि सीजन 1 से, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। और एक और कंफ्यूजन है कि इसकी डबिंग वही पुरानी कार्टून नेटवर्क वाली होगी या फिर सोनी ये इसकी न्यू डबिंग करेगा। तो मे बी हमको ऑगी एंड द कॉकरोचेस की न्यू डबिंग देखने को मिल सकती है ऑन सोनी ये, अकॉर्डिंग टू प्रेडिक्शन। सो नेक्स्ट अपडेट है पोकेमॉन के बारे में। सो बहुत समय से पोकेमॉन के फैंस के लिए एकदम सरप्राइज पे सरप्राइज मिल रहे हैं। और एक और न्यूज़ आई है कि पोकेमॉन मूवी आई चूज यू के बारे में, कि एनिमे डब मोशन ने उसकी हिंदी डबिंग कंप्लीट कर ली है और जल्द ये मूवी हमको देखने को मिलेगी टेलीग्राम पर या फिर किसी डिस्कॉर्ड सर्वर पर, वो भी बिल्कुल फ्री में। सो जब भी आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सो मेरे चैनल को अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेट कर लेना। सो मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि फैन डबिंग इतनी खास नहीं होती, बट एनिमे डब मोशंस काफ़ी प्रोफेशनली डबिंग करते हैं। आप लोग इसका ट्रेलर भी देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आई थिंक मूवी देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। सो आप लोग इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो नेक्स्ट अपडेट है पोकेमॉन के बारे में। सो पोकेमॉन की एक और धमाकेदार अपडेट आ चुकी है, बिकॉज पोकेमॉन मास्टर्स जर्नीज में कोरिना एक बार फिर से वापस आने वाली है। और इतना ही नहीं, बल्कि वो ऐश को कीस्टोन देगी, जो कि इस्तेमाल होता है फॉर मेगा एवोल्यूशन। और उसके बाद ऐश जाएगा मेगा आइलैंड पर, जहां पर उसको लुकारियो नाइट लेने के लिए जाना पड़ेगा। देन हमको ऐश के लुकारियो का मेगा एवोल्यूशन फाइनली देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम होगा। सो आप लोग एक्साइटेड हो या नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताना। सो नेक्स्ट अपडेट एक बार फिर से पोकेमॉन के बारे में है। सो गाइज, ये तो बिल्कुल पोकेमॉन पैक्ड वीडियो है। सो पोकेमॉन सीजन 16 यानी कि पोकेमॉन BW एडवेंचर्स इन यूनोवा एंड बियॉन्ड की ऐसी रिपोर्ट आई है कि अभी तक सीजन 16 की डबिंग स्टार्ट नहीं हुई है, बल्कि अभी सिर्फ उसकी स्क्रिप्ट रेडी की गई है। तो ये रिपोर्ट 100% रियल तो नहीं है, बट ऐसी रिपोर्ट आई है। इसका मतलब अभी अभी पोकेमॉन सीजन 15 का काम कंप्लीट हुआ है और अब सीजन 16 की डबिंग स्टार्ट होगी। तो ये रहा आज का एनीमे क्विज, कमेंट सेक्शन में आंसर देना मत भूलना। तो नेक्स्ट अपडेट है डिज्नी की फ्रोजन मूवी के बारे में। तो डिज्नी फ्रोजन 2 आने वाली है 26 सितंबर यानी कि ट्यूसडे को दोपहर 12 बजे स्टार गोल्ड पर। तो काफ़ी अच्छी मूवी है, देखना मत भूलना। तो नेक्स्ट अपडेट है डोरेमोन के बारे में। सो रिसेंटली डोरेमोन के एपिसोड्स में एक ग्लिच हुआ आज से लगभग 4 दिन पहले, यानी कि 14 सितंबर मंडे को ठीक दोपहर 4:30 बजे डोरेमोन देख रहा था और तभी एक एपिसोड हिंदी डब में आने की बजाय इंग्लिश डब में आ गया, एंड उसकी लैंग्वेज भी हिंदी में ही थी, बट फिर भी वो इंग्लिश में आ रहा था। सो ये ग्लिच हुआ था डोरेमोन के साथ। सो अगर आपने भी इस ग्लिच को नोटिस किया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बता देना।
सो नेक्स्ट अपडेट है हॉरिड हेनरी के बारे में। सो हॉरिड हेनरी एक बार फिर से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन ये शो इस बार कार्टून नेटवर्क पर नहीं बल्कि सोनी ये पर स्टार्ट होगा। और इसके सीजन 1 से लेकर 5th सीजन तक के राइट्स खरीद लिए हैं सोनी ये ने। सो आजकल सोनी ये धीरे धीरे बहुत ही कमाल का चैनल बन रहा है, बिकॉज ओबोचामा कुन के न्यू एपिसोड्स प्लस ऑगी एंड द कॉकरोचेस और अब हॉरिड हेनरी भी लाने वाला है वो हिंदी डब में। सो फाइनली सोनी ये धीरे धीरे करके इम्प्रूव कर रहा है। सो अब हम लोगों को सोनी ये को सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज काफ़ी कमाल के शोज ला रहा है वो हमारे लिए और वो कार्टून नेटवर्क से अब बहुत ज़्यादा बेहतर बन चुका है। सो नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है पोकेमोन के बारे में। सो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, बिकॉज पोकेमोन का सीजन 15 आने वाला है आज रात 10 बजे मार्वल HQ पर। सो फाइनली सीजन 15 आज रात आने वाला है, सो बिल्कुल भी मिस मत करना। और हाँ, मे बी ये ग्लिच हो सकता है, बट आई थिंक ये बिल्कुल रियल है। सो वीडियो में बहुत सारी न्यूज़ दी है आपको मैंने, सो वीडियो को लाइक करना तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।